डोरेमोन के असली मौत की कहानी जानने के बाद आप रोना बंद नहीं कर सकते। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को कार्टून एपिसोड पसंद होते हैं। कुछ कार्टून चरित्र हमारे दिल को छूते हैं कि हम इससे गहरे तक जुड़े हैं। ऐसा ही सबसे प्रिय कार्टून चरित्र डोरेमोन है। डोरेमोन के दो अंत हैं, निराशावादी अंत की नाराजगी के बाद नोबुओ सातो ने इसे समाप्त कर दिया। खैर, डोरेमोन कौन है? वो एक रोबोट है जिसने अतीत में यात्रा की और एक स्कूल छात्र नोबिता से मिला। नोबिता एक गुंगा बालक है जो हमेशा परेशान में पड़ता है और डोरेमोन के गैजेट के साथ उसकी मदद करने के लिए कहता है। नोबिता हमेशा अपने दोस्तों को और विशेष रूप से शिज़ुका को प्रभावित करने के लिए डोरेमोन से नए गैजेट की मांग करता है। डोरेमोन बहुत भावुक है। वो किसी भी गैजेट के लिए नोबिता से नहीं कह सकता क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो दोनों सबसे अच्छे दोस्त हैं। इस अद्भुत कार्टून श्रृंखला के कई एपिसोड हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं कि एक एपिसोड है जिसमें डोरेमोन की मृत्यु हो जाती है और ये श्रृंखला के अंतिम एपिसोड है। हाँ, आप सही सुना, लेकिन इस एपिसोड के भारत में टेलीकास्ट नहीं किया गया था। डोरेमोन की मौत की ये एपिसोड बहुत भावुक है। ये आपकी आंखों में आंसू ला सकता है। एक दिन नोबिता को जियान द्वारा पीटा जाता है जबकि वो स्कूल से लौट रहा है। उससे बदला लेने के लिए नोबिता डोरेमोन से गैजेट मांगने के लिए घर चला जाता है, लेकिन जब वो अपने कमरे में प्रवेश करता है तो वो डोरेमोन को फर्श पर बेहोश पड़ा हुआ पाता है। वो उसे जगाने के बहुत कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। अंत में वो अपनी जेब से समय टेलीविज़न निकालता है और डोरेमी से संपर्क करता है। अपने भाई की जांच के बाद डोरेमी ने कहा कि उसकी बैटरी विफल हो गई थी, इसलिए ये दुर्घटना घटी। सो गाइस, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।